हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह सुबह 6 बजे हम लोग निकल चुके हैं फ़तेहपुर सीकरी के लिए। तो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी इस फ़तेहपुर सीकरी देखने के लिए, और मैं आज तक नहीं गई हूँ देखने के लिए। सिर्फ इतिहासों में पढ़ा है और फ़ोटोज़ भी देखे हैं और वीडियोज़ भी देखे हैं बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार फ़तेहपुर सीकरी देख लूँ। तो हम लोग सुबह सुबह 6 बजे निकल गए हैं और हम लोग गाड़ी से निकले हैं, यानी कि कार से। और कार में मेरे साथ बैठे बैठी हुई है मेरी नंद है, और मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे जीजू हैं, और मेरा भांजा है। तो हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह और पहुँचते हैं, पहुँच करके और फिर दिखाते हैं आपको फ़तेहपुर सीकरी। और अभी हम टोल टैक्स के पास में हैं और टोल टैक्स से फ्री हो करके और फिर हम निकलते हैं। तो टोल टैक्स से फ्री हो गए हैं, फ्री हो करके और बिल्कुल सीधे रूट पे हम लोग चल रहे हैं, और गाड़ी में बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा महसूस हो रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी टाइम है और एक बोर्ड पे हमने पढ़ा था तो अभी 17 किलोमीटर बता रहा है, तो अभी थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा और टाइम लगेगा। तो पहुँचते हैं, पहुँच करके और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं पहुँच करके, और ये मैंने क्या किया, अपने मोबाइल को ऑन किया है, मोबाइल का कैमरा ऑन करके और आपको दिखा रही हूँ। तो आप देखिए, और ये किले का बिल्कुल मेन एंट्रेंस है और हम लोग पहुँच रहे हैं किले के अंदर में। हम लोग जाएंगे जा करके और मैं सारी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं आप लोग मेरे साथ में। तो आप देख सकते हैं, और ये किले का मेन एंट्रेंस है, इससे हम अंदर आ चुके हैं आकर के। और यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है 2 से 3 मिनट के लिए, और यहाँ पे हम कुछ एक गार्ड है उससे हम पूछताछ कर रहे हैं। और ये जो उधर दिख रहा है, इस दूसरे वाले रूट पे जो दिख रहा है, वो उसी तरफ से हमारा बस मुड़ेगा और उसी तरफ से हम किले के लिए जाएंगे, किले में जाएंगे। तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, और ये है इधर से ट्रेन जा रही है और ये है ट्रेन का रास्ता। और इस ट्रेन से भी आप आ सकते हैं, ट्रेन से भी 3 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। और ट्रेन से आकर के फिर आपको स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, फिर स्टेशन से आकर के और फिर रिक्शा लेना पड़ेगा, रिक्शा लेकर के फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। और ये जो गेट दिख रहा है, उस साइड से ही हम एंटर करेंगे किले के। तो पहले हम सबसे पहले हम जाएंगे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, पार्किंग में लगा करके और फिर हम लोग बस में बैठेंगे, बस में बैठ करके और फिर किले के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो और अपने बाइक से, ऐसा नहीं है। हमें बस में बैठ करके ही और सारे रूल्स फॉलो करके ही हमें जाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है, पार्किंग में खड़ी करके और अब हम आ गए हैं। कुछ ज़रूरत के सामान लेनी थी तो ये छोटा सा जो उधर पार्किंग में लगा रखा है इन लोगों ने, मार्केट है, छोटा मार्केट टाइप में है और बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हम गए हैं सामान लेने के लिए छोटा मोटा। और ये मेरे जीजू हैं और ये दीदी हैं, मेरे दीदी हैं मेरी, और ये टोपी ओपी उठा रहे हैं, कुछ ख़रीदना है तो मैं भी दिखूंगी आपको। नहीं भाई, मुझे नहीं लेना है, ऐसे चलते हैं। हाँ अच्छा लग रहा है, ये ले लो। हाँ ये वाला ले लो। अरे देखो मैडम, ये देखो आपको अम्ब्रेला। अरे टोपी तो देख लो, तुम्हारी वीडियो बन जाएगी बाद में। ये तो हाई कलर से ये अच्छा लग रहा था। हाँ ब्लैक वाला फिर भाभी को वाला चाहिए, तुम्हें चाहिए पिंक वाला? पिंक वाला उनको दे दो। ये रिबिन देखो ना, ये निकल रही है, निकल गया।
बोलो बताओ कहाँ आए हो, क्या करने आए? हम लोग आए हैं फतेहपुर सीकरी और हम अभी पूरा एंजॉय करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में पहले ये सीट ले लिया, अच्छा लग रहा था। बोलो चले कर लिए क्योंकि फिर बस निकल जाएगी। हमने अब बस की तरफ रुख कर लिया है, बस में बैठ करके अब हम किले के तरफ चलेंगे और जो सामान लेना था ज़रूरत का वो हमने ले लिया है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।